गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. आई एम अखिल जैन, फैकल्टी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़. और आज मैं आपको ई 207 पावर सिस्टम फर्स्ट की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कहाँ पर कितनी डेवलप हो रही है, कौन कौन से तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करने के लिए, और हम उसके अंदर और क्या क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस पूरी यूनिट में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक सामने मैंने फिगर बनवाया है जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा किन हमारे एनर्जी सोर्सेस से हमें मिलती है, मतलब हमारे पास कौन कौन से तरह के पावर प्लांट्स हैं. पहला है कोल से सबसे ज़्यादा 59% या अराउंड 60% हमें कोल से एनर्जी मिलती है. जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ही कोटा थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ पावर प्लांट, काली सिंध पावर प्लांट, ये सारे हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं. वहीं 17% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ पानी से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करी जाती है उसको हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 12%, रिन्यूएबल के अंदर सोलर हो गया, विंड हो गया, ये सब हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं. नेचुरल गैस में गैस पावर प्लांट्स होते हैं, वो हमारे नेचुरल सोर्सेज पावर प्लांट्स हैं. दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी भी इंडिया में बहुत कम हैं, तो वो हैं 2%. जैसे इंडिया की बात करें तो तारापुर, और राजस्थान की बात करें तो रावत भाटा के अंदर जो पावर प्लांट है वो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है. और ऑयल से तो बहुत ही कम, ऑयल से हम वहीं जनरेट करते हैं जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है, इंस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पर हम ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं. तो बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टुडेज लाइफ. आज की लाइफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है. कैसे है कि इससे को आप किसी भी दूसरी एनर्जी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपको किसी भी चीज़ को गर्म करना हो तो उसके अंदर आप करंट भेज दीजिए रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वो गर्म हो जाती है. तो इसको इजीली आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए ये हमारा सबसे कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है एनर्जी को स्टोर करने के केस में. उसी तरह से ईजी टू कंट्रोल है. कभी हमें टेम्परेचर को अगर बढ़ाना हो तो हम उसको ज़्यादा करंट दे देंगे, और अगर टेम्परेचर को कम करना हो तो कम करंट दे देंगे. तो ये सबसे ज़्यादा ईजी है. अगर कहीं पे स्पीड कंट्रोल करनी हो तो उसके वोल्टेज को आप चेंज कर दें तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी. देखिए लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड मशीन्स हैव सिंपल एंड कन्वीनियंट स्टार्टिंग कंट्रोल एंड ऑपरेशन. फॉर इंस्टेंट एन इलेक्ट्रिकल मोटर कैन बी स्टार्ट एंड स्टॉप बाय टर्निंग ऑफ इट्स स्विच. इतना ईजी है, बस एक स्विच ऑफ किया वो अपने आप बंद हो जाती है. इस तरह से आप उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हो. तीसरा पॉइंट है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर प्रिफर्मिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज दैट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. इट कैन बी ईजिली बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द हेल्प ऑफ द कंडक्टर. अगर ओवरहेड लाइन से आप इसको ईजिली एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं. चौथा पॉइंट है चीप. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मच चीपर देन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स. मतलब ये बहुत ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और क्लीन भी है क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्मोक नहीं डेवलप होता है, तो इस कारण से इसके अंदर कोई गैसेस नहीं निकलती हैं, पॉइजन गैसेस, इसलिए ये ज़्यादा
क्लीन होती है और सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से। नेक्स्ट, हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अगर हमें इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो हम इसको इजीली भेज सकते हैं, उसके अंदर हमको हमारी कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आप इसको भेजने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ट्रांसमिशन लाइन्स लगा रखी हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू एक जगह से ईजिली दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती हैं अगर हाई वोल्टेज के ऊपर आप इसको ट्रांसफ़र करें तो। तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से। अब हम ये देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज द जनरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज सच एज द प्रेशर हेड ऑफ वाटर, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सेट्रा, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सूटेबल अरेंजमेंट। तो इन सब की सहायता से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। जैसे कि यहाँ देखिए, हमने क्या किया, प्राइम मूवर को घुमाया किसी की भी सहायता से, जैसे वाटर की सहायता से मान लेते हैं हमने प्राइम मूवर को रोटेट किया, उससे ऑल्टरनेटर अपने आप रोटेट होने लग गया और हमें इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में अवेलेबल हो गई। यही हम सबके साथ करते हैं कि एक प्राइम मूवर होता है जिसको हम या तो न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी लेकर उसको रोटेट करवाते हैं, या वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर प्राइम मूवर को रोटेट कराते हैं, या कोल से एनर्जी लेकर प्राइम मूवर को रोटेट कराते हैं जिससे ऑल्टरनेटर रोटेट होता है और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले अगर आप वाटर यूज़ करते हो तो उसकी इनिशियल कॉस्ट, मतलब जब आपने वाटर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया है तो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है, मतलब उसको बिल्डअप करने की कॉस्ट, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है, फ्यूल में उसकी कॉस्ट कम है और न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे ज़्यादा है। उसी तरह से अगर आप रनिंग कॉस्ट की बात करें तो वाटर में कोई चार्जेस ही नहीं है क्योंकि फ्यूल जो है वो कोई एक्स्ट्रा फ्यूल लग ही नहीं रही है, इस कारण से इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। फ्यूल में रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर रनिंग कॉस्ट सबसे कम है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं वो बहुत छोटा भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, रिजर्व्स की बात करें, मतलब ये हमारे पास कितना अवेलेबल है। तो वाटर तो परमानेंट है, फ्यूल जो है वो एग्जॉस्टेबल है, मतलब वो कभी ना कभी ख़त्म होंगे, और जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए, इसलिए अभी ये इनएग्जॉस्टेबल है। मतलब जो वाटर है वो तो हमेशा रहेगा, फ्यूल जो है वो जैसे कोल हो गया या कोई भी और पेट्रोल हो गया, ये जो हमारे फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस हो गया, ये जो हमारे फ्यूल्स हैं ये हमारे पास एग्जॉस्टेबल मोड में हम आ चुके हैं। मतलब अब अगर हमें इनको यूज़ करना है तो सोच समझ के यूज़ करना होगा, और न्यूक्लियर एनर्जी ये अभी एट प्रेजेंट इनएग्जॉस्टेबल है। अगर क्लीनलीनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्लीन कौन सा है, वाटर पावर, वहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा डर्टी किसकी है, जो फ्यूल्स कोल पेट्रोल यूज़ करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर से कम क्लीन होता है। सिंप्लिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंपल है वाटर, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है फ्यूल, और सबसे कॉम्प्लेक्स है न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी डेवलप करना। और रिलायबल की बात करें तो मोस्ट रिलायबल है कि वाटर से एनर्जी मिलनी है, लेस रिलायबल है, रिलायबल से हम ये कह सकते हैं उसकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी हमारे फ्यूल के अंदर 40% मैक्सिमम आती है, तो इसलिए ये हमारे लेस रिलायबल हैं। और मोर रिलायबल है अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है थोड़े से पार्ट मटीरियल से भी, इसलिए वो मोर रिलायबल है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में।
अभी हमने जो मेन बात करी थी वो हमने कन्वेंशनल सोर्सेज जो हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे थे उनके बारे में बात करी थी। अब हम और टाइप्स के कौन कौन से हमने नए सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ढूंढे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल मतलब जो पहले से इस्तेमाल कर रहे थे हम, बहुत टाइम से जिनका इस्तेमाल हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो अभी नए एनर्जी सोर्सेज हमने ढूंढे हैं इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के लिए। दूसरा एक और तरीका होता है सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिवाइड करने का, एक होता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो जो हमारे फ्यूल्स हैं और न्यूक्लियर एनर्जी है ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं, और जो हमारा सन, विंड, टाइडल, बायोमास, जियोथर्मल, वाटर, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आते हैं। रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ वापस आप यूज़ कर सकते हो, विंड कभी ख़त्म नहीं होगी, सन कभी ख़त्म नहीं होगा, वाटर परमानेंट हमने है ही, टाइड जो है वो भी परमानेंट है, बायोमास जब तक इंसान है तब तक हमारे पास वेस्ट अवेलेबल होगा तो उससे भी ईजिली डेवलप हो सकता है, और जियोथर्मल जो है, जो अर्थ है वो हमेशा अंदर से गर्म रहने वाली है तो उसके अंदर से जो हीट निकलती है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। देखते हैं पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, पहला है हमारे पास वाटर। व्हेन वाटर इज स्टोर्ड एट अ सूटेबल प्लेस इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स हेड एंड हाइट क्रिएटेड। व्हेन एवर दिस वाटर फ्लोज towards the turbine, the potential energy is converted into electric kinetic energy. After that, turbine starts to rotate. At this time of kinetic energy is converted into mechanical energy. The water turbine and generator are mechanically coupled. When turbine starts to rotate simultaneously, generator starts to rotate. This mechanical energy is converted into electrical energy. And this arrangement is called hydroelectric power plant. तो hydroelectric power plant में क्या करते हैं, जो water है उसको reservoir में store करते हैं जिससे उसको एक height मिले, height मिलेगी तो potential energy develop होगी, उस potential energy को convert कर देंगे kinetic energy में, फिर वो जो kinetic energy है वो हम use करेंगे turbine को rotate करने के लिए, मतलब उसको convert करेंगे mechanical energy में। टर्बाइन जब रोटेट होगी तो जनरेटर ऑटोमेटिकली रोटेट होगा क्योंकि वो उससे कपल्ड है, और उससे हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब तक अर्थ के ऊपर वाटर है बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमेशा देता रहेगा। नेक्स्ट है फ्यूल। फ्यूल के अंदर हमारे पास अवेलेबल है कोल, लिक्विड फ्यूल हो गया जैसे डीजल हो गया, या गैसियस फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस हो गया, ये सारे हमारे पास फ्यूल हैं जिसकी सहायता से हम स्टीम जनरेट करते हैं और फिर उससे स्टीम टरबाइन को रोटेट करते हैं, और जनरेटर क्योंकि उससे कपल्ड होता है वो रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अगर कोल है तो कोल थर्मल पावर प्लांट, अगर फ्यूल है, अगर कोई लिक्विड फ्यूल है तो लिक्विड फ्यूल थर्मल पावर प्लांट, अगर नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस थर्मल पावर प्लांट या नेचुरल गैस पावर प्लांट भी होते हैं। तो कौन से प्लांट्स हुए, ये थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो फ्यूल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हम यूरेनियम, थोरियम जो है, इन न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे को यूरेनियम, जैसे यूरेनियम 235 है वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं है, बट यूरेनियम 238 का हम यूज़ करके उसको कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम 235 के अंदर, और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं कि जो हमारा वाटर है स्टीम डेवलप करते हैं इस एनर्जी से, जो न्यूक्लियर पावर है, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हम फिजन रिएक्शन करते हैं। फिजन जब रिएक्शन होती है, जब वो टूटता है तब उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उससे हम वाटर को गर्म करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं,
और फिर उससे ही स्टीम टरबाइन को रोटेट करके एनर्जी को डेवलप करते हैं। तो ये हमारे तीनों कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे। अब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे, जिसके अंदर पहला है सन। सोलर एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सन, ये सबको पता है, बहुत अलग अलग तरीक़ों में काम आती है। कुकिंग में हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। एक तो हम सोलर सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर प्लेट लगाई, जितनी भी उसने एब्जॉर्ब करी इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो उसने हमें करंट आउटपुट में दिया, उसको स्टोर कर लिया हमने बैटरीज़ के अंदर, बैटरीज़ को चार्ज कर लिया उससे, और फिर उन बैटरीज़ को हमने यूज़ किया एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने सोलर एनर्जी है उससे हम गर्म करें पानी को, उससे इतना कोशिश करें कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, उससे स्टीम डेवलप हो, और फिर सोलर थर्मल पावर प्लांट का हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंड पावर। विंड के अंदर हम बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगाते हैं, जिसकी सहायता से वो रोटेट करती हैं और उनसे जो कंबाइंड होता है जनरेटर वो रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करता है। बाय यूजिंग विंड मिल द विंड पावर कैन बी ऑब्टेन। द प्रोपल्सिव पावर ऑफ विंड इज यूज्ड टू ड्राइव मल्टी ब्लेडेड टर्बाइन। कैसी होनी चाहिए? मल्टी ब्लेडेड टर्बाइन उसके अंदर होनी चाहिए। व्हेन द ब्लेड स्टार्ट्स टू रोटेट इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी द बैटरीज आर चार्ज एंड व्हेन विंड मिल स्टॉप्स द बैटरी सप्लाई द एनर्जी। इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लान टू मेक यूज ऑफ दिस सर्टेन पार्ट ऑफ एनर्जी इन होल कंट्री। तो इस एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, इस कारण से हम अब कोशिश कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से ज़्यादा एनर्जी को डेवलप करना। उसके बाद है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी सिर्फ हम कोस्टल एरियाज में ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही टाइड्स आते हैं, तो इसका एक लिमिटेशन है सिर्फ, और टाइड जो है वो बहुत कम आती हैं, बट जितनी भी हमें एनर्जी टाइड से मिलती है उससे, टाइड को हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं, तो जितनी भी एनर्जी हमें ज्वार भाटा से मिलती है उससे हम लेने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम एक डैम बनाते हैं जिसके बीच में हम टर्बाइन लगा देते हैं। जब हाई टाइड्स आती हैं तो पानी कोस्टल एरिया से हमारे जो सॉरी सी की से कोस्टल एरियाज की तरफ आता है और वो स्टोर हो जाता है उस डैम के अंदर, और फिर जब लो टाइड्स होती है तो वो उससे बाहर निकल के हमारी टर्बाइन को रोटेट कराता है और एनर्जी डेवलप होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस रिफर टू ऑल प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा व्हेन कंसिडर्ड एज अ एनर्जी सोर्सेस। सम इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ बायोमास आर इन्फीरियर वुड्स, अर्बन वेस्ट, बायोगैसेस, फार्म एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट। तो इन सब जो भी हमारे पास वेस्ट है उसको हम एक गड्ढे में डालकर उससे हम गैस डेवलप करते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोगैस, जिसके अंदर मेन पार्ट किसका होता है, मीथेन का होता है, विच इज़ अ इनफ्लेमेबल गैस जो कि ईजिली जल सकती है। इस कारण से इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग purposes एंड अदर। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, इससे हम वही हीट करें पानी को, स्टीम को हीट करें और फिर उसके बाद उससे जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। तो जो जियोथर्मल एनर्जी है उसके अंदर जो हमारी अर्थ है, क्योंकि अर्थ जो है वो अंदर से बहुत गर्म है, तो वहाँ से जो भी हमारे पास गैस अंदर से ही निकलती है, जो वार्म गीजर्स होते हैं, उनकी सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर सकते हैं। वी लिव बिटवीन टू ग्रेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, द हॉट रॉक्स बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द सन इन द स्काई। आर एंसेस्टर न्यू द वैल्यू ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी,
They bathed and cooked in hot springs. Today we have recognized that this resource has potential for much broader application. The core of the earth is very hot and it is possible to make use of the geothermal. These are the areas where there are volcanoes, hot springs and geysers and methane under the water in the ocean and sea. In some countries such as in the US, water is pumped from the underground hot water deposited and used to heat people's houses. तो जियोथर्मल एनर्जी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.